जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आपको आ रही है। थोड़ा सा स्लो हो गया आज आवाज़ ड्यू टू सम रीजंस। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज एकेडमिक। जी अच्छा, देखें जिस वक्त आप पीएमए एकेडमिक का कोर्स देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सबसे मुख्तलिफ आसान लेकिन लेंथी सिलेबस है। ये क्यों है? देखें, जब आप जीडीपी पायलट में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके लिए बड़ा आसान है कि आपने फिजिक्स और इंग्लिश तैयार करनी है बस। जब आप पीएन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने जस्ट क्या करना होता है, फिजिक्स एंड मैथ्स तैयार करना होता है। इसी तरह जो इंजीनियरिंग की सीए है, एएफएनएस है, उन सब के लिए टेक्निकल कैडेट है। लेकिन जिस वक्त आप पीएम में लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं इट मींस कि यू आर ज्वाइनिंग द पाक आर्म फोर्स, जो मेन कमांड है लीडर्स। ठीक है, तो ये जो मेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद आपका DGISPR, उसके बाद आपका जो और इदारे हैं उन सबको जो लीड करता है वो ये बैच कर रहा होता है। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना पीएमए लॉन्ग कोर्स की, वो लीडर्स प्रोडक्शन है। लीडरशिप क्रिएट करना है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, लीडर्स क्रिएट करना है। तो उसके अंदर ना तो इंजीनियर्स क्रिएट हो रहे हैं, ना कोई डॉक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, ना ही इसके अंदर कोई और प्रोफेशनल डिग्रीज या कोई अकेडमिक ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। तो प्योर लीडर्स हैं जो जिन्होंने बनना। तो लीडर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, लीडर्स के लिए जानना जरूरी है। जीडीपी पायलट के लिए ठीक है, लेकिन उसके लिए उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। नंबर वन इज, इसका फोन छोटा कर लें ताकि ये सारे आ जाए। और उसके बाद जो हमारे पास है जूम का चेंज हुआ है फॉर्मेट, मुझे यहाँ से साइज नहीं मिल रहा। साइज 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 साइज, चले बड़ा लिख लेते हैं, बाद में आपको भी जो है वो कर लो। पाकिस्तान हिस्ट्री, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको ज़रा समझ लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान हिस्ट्री जब कहा जाता है तो नॉर्मली ये एरा 1947 से पहले काउंट किया जाता है। जो पीएमए लॉन्ग कोर्स है इसमें आप लगा लें 1857 से लेकर 1947, तो ये जो नाइन अपने ईयर बनते हैं आपके पास 90 या 1880 सर सैयद अहमद के दौर से लेकर और पाकिस्तान बनने तक, ये पाकिस्तान हिस्ट्री काउंट होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान हिस्ट्री। और पाकिस्तान स्टडी क्या है? पाकिस्तान बन गया, उसके बाद पाकिस्तान की स्टडी के अंदर आपके पास कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन पहला क्रिकेट कैप्टन था, कौन सी असेंबली कब टूटी, कब बनी, आइन कब बना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, कौन सी जंगें कब हुई, निशाने हैदर किसको मिला, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं? पाकिस्तान स्टडीज में आती हैं। एज अ पार्ट ऑफ लीडरशिप कोर्स आपके लिए इसकी बेसिक्स जानना जरूरी है। दैट इज द रीजन कि आपके एकेडमिक में ये चीज़ें चेक होती हैं। साथ साथ आपने जो और चीज़ समझनी है पीएमए लॉन्ग कोर्स रिलेटेड, एकेडमिक कोर्स रिलेटेड, दो तरह के टॉपिक्स हैं इसमें। एक है प्योर रट्टा, प्योर रट्टा, इसमें आपने कुछ समझना नहीं है, प्योर रट्टा। आइन कब बना पाकिस्तान का, ठीक है, या पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम था, या पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम था, इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, जस्ट नेम है। ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर का नाम क्या था, जस्ट नेम है। तो इसमें प्योर रट्टे की जो चीज़ें हैं उनके साथ मैं आपको बता दूं कि अकबर कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, अकबर कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, कोई इनको चैट में बताएगा? अकबर ने तो चलिए ऑन ही नहीं किया हुआ। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, एक और जो है हमारे पास
है, ये जो दिल वाले हैं ना, इनका प्योर रट्टा आपने लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है जर्नल साइंस। साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, तो एक शख्स को बेसिक नो हाउ जरूर होनी चाहिए। साइंस की हिस्ट्री कह लें, इसको एवरीडे साइंस भी कहा जाता है। एक्सरे कब ईजाद हुआ, किसने ईजाद किया, पहली वैक्सीन कौन सी ईजाद हुई, कुत्ते को काटने से जो वैक्सीन लगती है उसका क्या नाम है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हैं बेसिक्स, टाइपराइटर कब ईजाद हुआ, इस तरह की जो बेसिक जनरल साइंस है, विटामिन कितने किस्म के होते हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक साइंस जो है ये भी आपको याद होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो प्योर रट्टा, आपने इसके क्वेश्चंस याद कर लेने, आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे डोंट वरी, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनके रट्टे ही लगेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। अब आपको समझ आ जाना चाहिए पाकिस्तान स्टडीज इज समथिंग एल्स, 1947 से आज तक है पाकिस्तान हिस्ट्री, 1947 से पहले तक पिछले कोई 80-90 साल, तो करंट अफेयर्स आजकल क्या हो रहा है। इस करंट अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं ज़्यादातर वही आते हैं। इसमें नॉर्मली आपके एमएनए, मिनिस्टर्स, उसके क्या क्या नाम है, सेनेट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ऑपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरह के बड़े बड़े जो होते हैं पे कौन फाइज है इस वक्त, उनके नाम आपने याद करने होते हैं। वंस अगेन, दिस इज प्योर रट्टा सब्जेक्ट, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपके पास एक और चीज यहाँ पर आ गई है। आफ्टर दैट इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात, जो भी चीजें हैं ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। यू आर गोइंग टू बी अ लीडर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज या पाकिस्तान वाहिद उम्मत मुस्लिमा का कंट्री है जिसके पास एटॉमिक पावर है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी ताकत है ये, अभी शायद आपको इतनी समझना हो लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान पे। तो जब आप एक ऐसी फौज का पार्ट बनने जा रहे हैं जो है ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे डिपेंड करती है, इस्लाम पे बनी है, तो फिर आपको इस्लामिक हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग इन इस्लामिक हिस्ट्री, आपको नहीं पता कुरान की आयात के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, ख़ास तौर पे जितने ग़ज़वात हुए उनके बारे में, सहाबा के बारे में, अम्बिया इकराम के जो लकब थे उनके बारे में, कुरान के अंदर इम्पोर्टेंट वाक़यात के बारे में, जो भी एक कोर हिस्ट्री है, तो फिर आपका लीडर बनना बनता नहीं है। तो इस्लामियात स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन, दिस इज़ प्योर प्योर रट्टा सब्जेक्ट। अब रट्टा कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी चीजें आ गई हैं। एक चीज काउंट की जाती है जनरल नॉलेज की, ठीक है, जनरल नॉलेज की। इस जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो मैं आपको जरा समझा दूँ। जनरल नॉलेज में नॉर्मली क्या किया जाता है, सब कुछ, स्पोर्ट्स में आके दुनिया में क्या हो रहा है, जंग के अंदर क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमिकली हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, तो जनरल नॉलेज जो कहीं भी सेट नहीं होता वो आपके पास यहाँ पर जनरल नॉलेज में सेट हो जाएगा। ये समझ लें, हर चीज मैं आपको पे गाइड करूंगा प्रॉपर, कोई मसला नहीं है। जनरल नॉलेज भी 101% रट्टा है, ठीक है, कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई चीज आपने समझ के नहीं करनी। अब दो चीजें जो आती हैं आपके पास, ये सारी की सारी चीजें आ गई, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है दैट इज वो है इंग्लिश। पीएमए लॉन्ग कोर्स में इट इज प्राइम रिक्वायरमेंट कि आपको बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर पता हो, टेंसेस पता हो, आपको प्रपोजिशन पता हो, आपको वर्ब के बारे में पता हो, आपको प्रोनाउन नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता हो, आपको आर्टिकल के बारे में पता हो, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, साथ में आपके पास बेसिक वोकेबलरी होनी चाहिए। तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है नॉर्मली हमारे यहाँ लोग समझते ही हैं कि शायद इसके अंदर कोई रट्टे का एलिमेंट होगा, तो
तो इंग्लिश के अंदर कोई रटा नहीं है, आपने टेंसेस भी समझने हैं, स्ट्रक्चर समझना है, प्रपोजिशन समझनी है, पार्ट ऑफ स्पीच समझने हैं, मॉडल वर्ब समझनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पीएम जो अपना जीडीपी की इंग्लिश है, अच्छी खासी टफ है ना। आपके एक्टिव पैसिव आते हैं ना, आपकी नरेशन आती है, कुछ भी नहीं आता। बड़े सुकून के साथ आपके जो हैं वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं आपको कवर इंशाल्लाह करवाऊंगा। सो दिस इज नॉट रट्टा, दिस इज प्योर प्योर कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ मैथमेटिक्स नहीं है, इसको मैथ ही कर लें काउंट। अच्छा, ये जो है आपके पास इंग्लिश समझ करना है। मैथमेटिक्स बहुत से लोग ही समझते हैं कि हमने तो FSC में मैथ नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो बड़ा कमजोर था। तो आपका जो मैथ है, याद रखें, 6th क्लास से लेकर 9th, बल्कि 6 से 8 तक है, लेकिन 9th के भी कभी कभार कोई सवाल आ जाते हैं। 6th क्लास से 9th क्लास आप सब ने पढ़ा हुआ है, तो ये सोचना कि मैथ बहुत मुश्किल आएगा, मैथ मुश्किल नहीं आता। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी इंजीनियरिंग कोर्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी टेक्निकल ऐसा कोर्स में जा रहे हैं जिसमें मैथ की जरूरत है। ये बेसिक मैथ, परसेंटेज, रेशोज, बेसिक ज्योमेट्री, ग्राफ का समझना, अपना कुछ एक दो फार्मूलाज, एल्जेब्रिक चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको मालूम, एरिया काउंट कर लेना, इस तरह की बेसिक चीज़ें, मैट्रिसेस, ये आपको आनी चाहिए। ये है आपका एकेडमिक का कोर्स। ये नंबर कितने हैं इसके? ये आपका बनेगा 50 मार्क्स। 50 मार्क्स होते हैं, और 30 मिनट, 30 मिनट आप पहले वर्बल देंगे, नॉनवर्बल देंगे, उस अगर वो दोनों आपने पास करती है तो उसके बाद अगला आपका टेस्ट उसी टाइम उसी घंटे के अंदर अगला टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। 50 सवाल है। अब इस 50 में पाकिस्तान हिस्ट्री के कितने हैं? कोई पता नहीं। इंग्लिश के कितने हैं? कोई पता नहीं है। एक दफ़ा 21 सवाल, 21 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे 50 में से, और एक दफ़ा 4 भी आए थे। तो ये रेंडमाइज होते हैं, मैं आपको बैकएंड दिखाऊंगा कि कैसे ये सिस्टम काम करता है सिलेक्शन सेंटर का, ये सॉफ्टवेयर कैसे बना हुआ है, कौन क्वेश्चन एंटर करता है, कौन पेपर बनाता है, कौन असाइन करता है। तो ये रेंडमाइज सिलेक्ट हुआ होता है। मैथ के 10 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और 18 भी आ सकते हैं। पाकिस्तान स्टडी के 2 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, इस्लामियात का 1 भी आ सकता है, और 25 सवाल भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक हमारा बहुत ज़बरदस्त उसामा साजिद स्टूडेंट था, बहुत बहुत लाइक, हर चीज़ की तैयारी थी, थोड़ा सा डगमगाता था, अपना जनरल नॉलेज उन चीज़ों में थोड़ा डरता था। एक भी सवाल इस्लामी याद का नहीं आया उसका, एक भी सवाल मैथ का नहीं आया। जनरल नॉलेज करंट अफेयर के कोई 28 से 35 सवाल थे, कुछ सवाल उसके थे इस्लामियात के, कुछ अपना इंग्लिश के 2 थे। बहुत बुरी तरह फेल हुआ एकेडमिक। तो एकेडमिक समटाइम आपको सरप्राइज करता है, तो ये सरप्राइज से कैसे बचना है, आई विल गाइड यू थॉरली, उतनी परेशानी की बात नहीं है। अब करना क्या है नेक्स्ट काम आपने, वो ज़रा समझ लें। सबसे पहले मुझे चैट में ये बताएं, आपको एकेडमिक की एक्सेस मिल गई है? एकेडमिक पार्ट की आपको एक्सेस मिल गई है? मैं 1 मिनट चेक कर लूं, अपने पास भी नहीं मिली। ठीक है ठीक है, वो आपको एक्सेस आज दिलवा देते हैं। मैं आपके साथ ज़रा स्क्रीन शेयर कर दूं। जी, ऐप की बात ही कर रहा हूँ, ऐप ही की बात कर रहा हूँ।
जी मेरी वॉइस बंद थी, सॉरी। जी, मेरी वॉइस बंद थी। ठीक है, अच्छा ये आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके पास ये पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, 1957, ये 114 मिनट के जो है पूरी वीडियो देख लें, आपके 90% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी देखें, 8 मिनट, 8 मिनट, 108 मिनट, 1947 से 2020 तक लगाएं, इधर 2 3 4 घंटे बैठ के सुकून के साथ, एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस देखें, एमसीक्यूज याद कर लेना, वो तो मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके माइंड में पूरे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, क्रिप्स मिशन क्या था, ये सारी चीज़ें, न्यूज़ एजेंसीज क्या होती हैं, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, इसके अंदर क्वेश्चंस की जो चीज़ें हैं ये अपडेट होती रहेंगी। तो आप सब लोग ये चेक कर लीजिएगा कि आपके पास पीएम में एसी जो है ये कोर्स एक्टिव होना चाहिए, नहीं होगा तो आप एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा चलते हैं वापस बोर्ड की तरफ। अच्छा ये जो चीज है, यहाँ पर एक और जो चीज नोट करनी है आपने, जी अच्छा, एक इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी का एलिमेंट है, वोकेबलरी की मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उस वोकेबलरी को प्रिपेयर करना शुरू करें। तरीकेकार ये है कि एक ही दिन बैठ के सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रोजाना के आपने 3 या 4 वर्ड समझ कर, वो कैसे समझ कर, आई विल गाइड यू, जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि वोकेबलरी कैसे तैयार करनी होती है, टेंसेज कैसे बनाने होते हैं, सिनोनिम सिनोनिम कैसे बना, एंटोनिम्स कैसे बनाने होते हैं। एक वोकेबलरी का वर्ड अगर आप प्रिपेयर करेंगे, अगर मैंने 4 कह रहा हूँ तो इट मीन्स आप उस दिन तकरीबन 12 से लेकर 16 तक के वर्ड्स प्रिपेयर कर लेंगे। ये कैसे होता है, डिटेल के साथ आपके पास लेक्चर मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड, मैं आपको बता भी दूंगा। तो इंग्लिश की वोकेबलरी, सेकेंडली जो उसके सेशन हैं वो तो आपके साथ हो ही जाएंगे, मैथमेटिक्स इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाएंगी। अब थोड़ी सी चीज़ें जिनका आपने रट्टा लगाना है, आज से ही करना ये है आपने, आपके पास इस्लामियात का जो है ना पार्ट, इसके 300 क्वेश्चन है, 300 अप्रोक्सीमेटली जो हमने एक एस्टिमेट लगाया हुआ, ये 300 के 100 जो हैं रिपीट होते हैं। इस 300 क्वेश्चन को आपने जो है वो करना है कवर, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए नहीं मिलेंगे, फिर आपकी तैयारी खुद तलाश करने हैं, गूगल से तलाश करने हैं, आपस में डिस्कस करने हैं, किसी से पूछने हैं, जब आपका टेस्ट करीब आ जाएगा तो फिर मैं आपको आंसर्स भी दे दूंगा। तो ये 300 हैं रोजाना के इस्लामियात के, आपको तकरीबन 300 में से 200 150 सवाल तो आते ही हैं, आराम से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज होंगे। बाकी नए क्वेश्चन जो आपने आते हैं डेली के 20 25 सवाल करना शुरू करें, आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज और ये चीज़ें, इनकी वो वीडियोज देखें अपना एकेडमिक के अंदर, जब मैं आपको टेस्ट लूंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, इनकी कोई पीडीएफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है तैयार। ठीक है, आज दोस्तों आप अगले वीक इंशाल्लाह आपने टेस्ट लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि सवाल आते किस तरह के हैं। तो फिलहाल इस वीक आप इस्लामिया स्टडी शुरू कर दें और इंग्लिश की वोकेबलरी शुरू कर दें। मैंने आपको पीडीएफ देनी है इन दोनों की, वो आपको पीडीएफ आज या कल दिन में प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एकेडमिक का पार्ट है। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा फेलियर, सबसे ज्यादा फेलियर एकेडमिक में होता है। क्यों होता है? सही तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी नहीं करते और प्रैक्टिस नहीं करते, और सबसे बड़ी जो फेलियर की वजह, वो मैं अभी आपको बता नहीं रहा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी जिस वक्त आप टेस्ट देंगे। इंसानी दिमाग थक जाता है 160 सवाल सॉल्व करके, 90 वर्बल, 60 नॉन वर्बल, तो 150 सवाल आपने आज से पहले कभी किए ही नहीं होते। जब जाके आप एग्जाम में बैठते हैं, 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका होता है। उसके बाद जिस वक्त आपके सामने एकेडमिक आता है, आपसे किया ही नहीं जाता। दिस इज द रीजन कि आपने प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, टेस्टिंग पोर्टल के ऊपर हम करवाएंगे आपको अभी कुछ दिनों में, तो उससे आपकी एक स्ट्रीम बन जाएगी। तो प्रेशर सबसे पहली चीज़ है, आपने नहीं लेना होता। उसके बाद एकेडमिक का रूल मैं हमेशा आपको याद कराता रहूंगा, पहले ही बताया है, 30 मिनट पूरे लगाने हैं। अगर आपने 30 मिनट्स पूरे लगा दिए, आपका एकेडमिक आराम से पास हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे तो सवाल आ गया कि जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट का नाम क्या है। अब ये जरा एग्जांपल आखिरी समझ लें,
जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट। अब आप कह रहे हैं सर मुझे, मैं अगर इसमें सोचूंगा भी सही तो ये तो कोई ऐसा सवाल तो है नहीं मैथ का कि मैं कोई कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, फार्मूला याद करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा। ना कोई इंग्लिश की प्रपोजिशन है कि सोचूंगा अच्छा यार यहाँ पर अप लगता है, यहाँ पर टू लगता है, यहाँ पर अपॉन लगता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, तो रट्टा है प्योर। तो अगर मुझे इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गिवन हो तो मुझे तो पता ही नहीं है कि जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम एक्चुअल में है क्या, तो मैं उस पर टाइम लगाऊंगा भी सही तो मैं तो सही आंसर फाइंड कर नहीं सकता। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, आता हो ना आता हो, टाइम आपके पास बहुत होगा एकेडमी के अंदर, तो यहाँ पर आपने कोशिश जरूर करनी है, गौर फिक्र करनी है और तुक्का तरीके से लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बताने का मकसद ये है कि एकेडमिक के अंदर बहुत दफ़ा आप सोचते हैं कि इसका जवाब तो मुझे आते नहीं है, चलो जी छोड़ दो। गौर व फिक्र एग्जाम में बैठ के करने की आदत अगर आपने डाल ली, कितना गौर व फिक्र करना है, 5-10 सेकंड, तो कई दफ़ा जवाब ठीक हो जाता है। तो एकेडमिक को थोड़ा सा सीरियस लेना है और इसकी तैयारी आपने आज से शुरू कर देनी है। वर्बल नॉन वर्बल अगर आज आपकी जीरो तैयारी है तो अगले 2 हफ्ते में आपकी सुपर तैयारी हो जाएगी। बात सुन लें गौर से, अगर वर्बल नॉन वर्बल आज आप जीरो हैं तो अगले 2 हफ्ते में आप हीरो हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एकेडमिक में आज जीरो हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने शदीद मेहनत चाहिए इसमें हीरो होने के लिए। इसको आसान नहीं लेना, टॉपिक बहुत ज्यादा हैं। अभी तो हमने कंट्रीज के नाम, करेंसी, इसको 3CL टॉपिक कहा जाता है, 3CL। 3CL का मतलब क्या है, 3C कंट्री, सिटी, करेंसी, लैंग्वेज, 3CL। तो मेजर मेजर कंट्रीज किस किस के नाम याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये था आपका एकेडमिक का इंट्रो। अब आपको कोई सवाल जवाब है तो प्लीज़ चैट में टाइप कर दें, फिर हम आज की क्लास इतनी ही होनी है बिकॉज आई हैव अनदर सेशन और मेरे थोड़ा सा स्केड्यूल आउट हुआ है। तो कल इंशाल्लाह हम जो है इंग्लिश का टॉपिक कवर करेंगे लाइव क्लास के अंदर, प्रेपोजिशन का टॉपिक। जी प्लीज़ एनी क्वेश्चन। सर ये सवाल था कि एप्लीकेशन कब आप रजिस्टर करें, 17 नवंबर है ना, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, ज़्यादा लेट नहीं करना, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें। जी एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर, सर प्लीज रिकॉर्ड ग्रुप में सेंड कर दें। ठीक है आज रिकॉर्डिंग की है मैं, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच जी, बाकी कल आपसे इंग्लिश का जो टॉपिक है उसकी क्लास आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।